छिंदवाड़ा जिले के चोरी विकासखंड के ग्राम चौसरा में विगत दिन किसानों द्वारा पावर प्लांट द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन पर रोजगार न मिलने को लेकर किसानों ने अपनी की जमीन पर हल चलाकर उसमें बारिश की फसल को लगाने की कार्यवाही प्रारंभ की, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान तीन दिन में चोरी एसडीएम कार्यालय में सभी के साथ बैठक कर किसानों की समस्याओं का निराकरण करने की बात कही गई। उसी के चलते आज चोरी एसडीएम कार्यालय में एसडीएम महोदय सहित एसडीओपी टीआई अदानी पावर प्लांट के अधिकारी और किसानों के बीच विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। बैठक में किसानों ने जमीन के बदले अपने परिवार के सदस्यों को रोजगार की मांग रखी और प्लांट को जल्द से जल्द प्रारंभ करने की बात कही। बैठक होने के बाद किसानों ने कहा कि अभी कोई आम सहमति नहीं बनी है, 8 दिन बाद फिर बैठक होगी, हर मुद्दे पर चर्चा होगी। रोजगार कैसे देंगे ये तो पता नहीं, किंतु 172 परिवारों की सूची में शिक्षित सदस्यों की सूची बनाकर एक समिति बनाने की बात बैठक में की गई और आने वाले मंगलवार को अदानी पावर प्लांट में सभी पीड़ित किसानों के साथ बैठकर चर्चा होगी। आज एसडीएम साहब के बहुत अच्छा माहौल में मीटिंग हुई और ये फैसला हुआ है कि अगले 8 दिन के बाद फिर मीटिंग होगी। उसमें अभी आम सहमति नहीं बनी है, जब तक किसानों को संतुष्ट नहीं किया जाएगा एग्रीमेंट से अभी हमारी लड़ाई जारी है और जब तक पूरी बात नहीं होगी, हर मुद्दे पे एक एक मुद्दे पे चर्चा होगी, रोजगार पे चर्चा होगी और जो हमारा भूमि अधिग्रहण नियम है उस पर भी चर्चा होगी। अभी सब कुल मिला के सरकार ने जो फैसला की है वो हमारी असहमति से हुआ है, ना कि किसानों को उसमें इन्वॉल्व कराया गया। सरकार ने जो किसानों को विश्वास में नहीं ली है और जब तक किसान उस पर सहमति नहीं देंगे तब तक ये कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। हमारी डिमांड है कि काम जल्द से जल्द चालू किया जाए, नहीं तो हमारी ज़मीन हमको वापस की जाए, हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी। आज मैं यहाँ अदानी पावर प्लांट की मीटिंग में आया हूँ। हमारा कहना है कि कंटिन्यू रोजगार मिले हमें और नहीं मिल रहा है तो हम जमीन जोतेंगे और जो बातें हुई है वो अभी मीटिंग के तौर पे हुई है। हम सब किसान लोग मिल के एक निर्णय लेंगे, उस आधार पे एग्रीमेंट होता है और हमारी बात को रखा जाता है तो हम मानेंगे, अन्यथा हम जमीन जोतेंगे। बस लास्ट निर्णय हमारा यही है। नाम चंचलेश वर्मा, ग्राम हेबरखेड़ी। और मंगलवार को अडानी चौसरा पावर स्टेशन में बैठक रहेगी और लिखित में एग्रीमेंट होगा और काम चालू करने का आश्वासन दिए हैं और तारीख डेट बकायदा सब मंगलवार को क्लियर होगा। कितना रुपए से कितने लागत से शुरुआत काम हो रहा है वो भी अडानी प्रबंधन ने बोला है सभी किसानों के सामने। वो हम कलेक्ट करेंगे गांव के कृषक पढ़े लिखे बच्चों को ड्यूटी देने के लिए भी बात सहमति बनी है कि कौन से बच्चे कितनी योग्यता के है उनकी, उस योग्यता के अनुसार से तुरंत से ड्यूटी में जॉब में रखेंगे और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको तुरंत से अडानी प्रबंधन वहाँ काम में रखने के लिए आश्वासन दिया गया है।